हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भावनास किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पानी पूरी। तो हम बाहर तो हमेशा पानी पूरी खाते हैं और बाहर हमें एक या दो फ्लेवर के ही पानी मिलते हैं, पर आज मैं यहाँ आपके साथ 6 नए फ्लेवर्स के पानी शेयर करूँगी। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हम घर में खुद से और हाइजीनिक वे में इसको बनाकर हम अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी ये सारे पानी का टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले मैं ले रही हूँ इमली। तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। तो इमली एकदम सॉफ्ट हो गई है और ये इसका बीज मैंने निकाल दिया था। तो इसका पल्प हम निकालेंगे। तो उसके लिए मैं छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, तो उसका पल्प बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद बड़ी छलनी में हम छान लेंगे, तो उसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बड़ी छलनी ली है और उसमें अच्छे से मैं इसका पल्प अलग कर लूँगी। थोड़ा सा पानी मैं मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से अलग करेंगे। तो नीचे में इसका जो गाढ़ा पल्प है वो अलग हो जाएगा और इसके छिलके जो हैं वो निकल जाएंगे। यहाँ मैं सबसे पहले मैं पुदीने का पानी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रेश पुदीना लिया है आधा कप, और आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश वाला, और दो से तीन मैंने हरी मिर्च ली है। तो पुदीने को और धनिए को सबको हम एक साथ मिक्सर में डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसका बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन गया है। यहाँ मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ। हाफ ग्लास और मैंने पानी ऐड किया है और ये पानी बहुत ही टेस्टी लगता है। पुदीने का पानी ये रेगुलर पानी है जो हमें बाहर पानी पूरी वाले के पास जो हमें मिलता है वही पानी है। और इसमें मैं मसाले डालूंगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, तो ब्लैक सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, तो ये मैंने जीरे को सेक लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसका पाउडर मैंने बना लिया था। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इमली का पल्प, जो हमने पल्प निकाला था इमली का, वही मैं इसमें 4 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। आप अगर इमली नहीं खाते हो तो इसमें आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, अपने चॉइस के हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हो। और ये पानी रेडी है, इसको मैं ट्रांसफ़र खुद कर लूँगी एक ग्लास में। तो मैंने सभी पानी को 1 ग्लास के मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है, इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ लहसुन का पानी। तो लहसुन का पानी शायद आपने कभी नहीं टेस्ट किया होगा, पर ज़रूर से टेस्ट करिएगा इसको बनाकर। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप पानी। तो 1 कप मैंने पानी डाला है उसमें। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आप ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला मैंने। और अब मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस। तो यहाँ मैं इमली नहीं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैं नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। तो बड़ा नींबू आप यूज़ कर सकते हो, खटाई अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 नींबू बड़ा साइज़ का यूज़ किया है।
और लहसुन अच्छे से ग्राइंड हो जाए वैसा पेस्ट बनाना है इसका। तो आप देख सकते हो मैंने एक मिनट तक इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये बढ़िया पानी इसका रेडी हो गया है। मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। थोड़ा सा पानी और मैं ऐड करूँगी, हाफ कप जितना। नमक स्वाद के अनुसार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लहसुन का पानी बहुत टेस्टी लगता है पानी पूरी में। ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ग्लास में और इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देंगे। रेडी है लहसुन का पानी। अब मैं बना रही हूँ जीरे का पानी। तो यहाँ मैंने जो जीरा ग्राइंड किया था वही मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ जीरे का पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। तो 1 टेबलस्पून चाट मसाला मैंने डाला है, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक डाला मैंने इसमें। और अब मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ भी मैं नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। तो इमली का पल्प जो है वो मैंने 2-3 पानी में ही यूज़ किया है, बाकी में मैंने नींबू का रस डाला है। 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये रेडी है हमारा टेस्टी जीरा पानी। तो ये सब पानी जो है वो आप पहले से बना के रेफ्रिजरेटर में आप रख भी सकते हो। ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ग्लास में। रेडी है हमारा जीरा पानी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ हींग पानी। तो हींग का पानी बहुत टेस्टी लगता है और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो 1 टेबलस्पून चाट मसाला मैंने ऐड किया है इसमें, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। और इसमें मैं ऐड करूँगी अब थोड़ा सा इमली का पल्प। तो बड़ा कप मैं इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ, यहाँ 1 कप मैं डाल रही हूँ पानी। तो हींग के पानी में अगर आप चाहो तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, इमली की जगह पर आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, ब्लैक सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा रेडी है हींग पानी। इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक ग्लास में और रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ये सभी पानी जो है उससे लगभग 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है। यहाँ मैं बना रही हूँ हाजमा हजम पानी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 इंच अदरक, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा गुड़ मैं डाल रही हूँ, तो इसका टेस्ट खट्टा मीठा आएगा। और इसमें फिर मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, 1/2 कप इमली का पल्प। तो 3 से 4 बड़े चम्मच इमली का पल्प है ये, और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया मैंने। एक बहुत ही बढ़िया पेस्ट रेडी हो गया है इसका। तो इसको आप गाढ़ा या पतला अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी इसमें
लिए वन ग्लास ऑफ, एक ग्लास मैंने इसमें इसको बना लिया है हाजमा हजम पानी। नमक ऐड करेंगे तो काला नमक डाला है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्रांसफर करेंगे इसको ग्लास में। इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट खट्टा मीठा इमली का पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। तो 1 कप में 1 कप मैंने इमली का पल्प लिया था। 1/2 कप मैंने गुड़ डाला है इसमें, तो आप गुड़ या शक्कर कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो, पर गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक गुड़ पूरा पिघल नहीं जाता। नमक डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। आप चाहो तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सर में, पर मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ। रेडी है, गुड़ अच्छे से पिघल गया है और अब मैं उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ग्लास में। ये खट्टा मीठा पानी जो है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो अब है बारी मसाले की। तो यहाँ मसाले में मैंने 5 बड़े आलू बॉईल कर लिए हैं और मैश कर लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ बॉईल चना। तो मैंने नमक डाल के चने को बॉईल कर लिया था। 1 बड़ा प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज अगर आप नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हो प्याज को। नमक, 1 टेबलस्पून नमक डाला मैंने इसमें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और ये चाट मसाला मैंने ऐड किया इसमें। तो सभी मसालों को 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अगर चाहो तो पुदीने को भी छोटा छोटा काट के डाल सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। तो ये मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है और ये 6 अलग अलग टाइप के पानी भी रेडी हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये पानी में आपको कौन सा पानी का टेस्ट अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मेरा फेवरेट पानी इसमें पुदीने का पानी है। आपका फेवरेट पानी कौन सा है मुझे बताइएगा। और इस तरह से आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पानी में मैंने नमकीन बूंदी डाली है तो उससे इसका क्रंचीनेस बहुत अच्छा लगता है खाने से। तो आप अगर चाहे तो 2 फ्लेवर या 3 फ्लेवर के पानी भी बना सकते हैं। इन सभी का टेस्ट बड़ों से लेके बच्चे तक को सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।